Good morning children. In our previous video we have discussed some questions of exercise 10.4 which was based on angle side angle criteria of triangle. Agar aapko do angle ek side diya hai then how we can do the construction. Okay, now we will discuss exercise 10.5 which is based on arches. Means one right angle is given, one hypotenuse is given and one side is given. So how we can construct the triangle? See, it's not that much difficult. But one thing is compulsory. In all of this construction, we have to draw one angle which will be 90 degree. Okay. So the very first question I am having, like construct the triangle, construct right angle triangle PQR. देखो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहचानना कि राइट एंगल किस पॉइंट पे बनना है. कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्राइंगल, ये मैंने राइट एंगल का ही रफ डायग्राम बनाया है पी क्यू आर, वेयर मेजर ऑफ एंगल क्यू, क्यू क्या होना चाहिए 90 डिग्री. ये रफ डायग्राम भी दिखा दो, बाकी इन दोनों में से किसी को भी हम पी एंड आर नेम कर सकते हैं. सो क्यू इज 90 डिग्री, क्यू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, दिस क्यू आर इज 8 सेंटीमीटर एंड पी आर इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर. सो एज यू ऑल कैन सी 190 डिग्री राइट एंगल इज गिवेन, हाइपोटेन्यूज इज गिवेन एंड एनी वन साइड इज गिवेन. सो वट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ दिस बेस. सबसे पहले हम बेस बनाएंगे. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ओके, नाउ एट क्यू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, फर्स्ट सेमी सर्कल, देन टू आर, टू मोर आर्क्स, देन ऑन ज्वाइनिंग दिस वी कैन हैव 90 डिग्री. ओके, नाउ फ्रॉम आर, देखो क्यू पे भी बन गया, अब आर से क्या पता चल रहा है, आर से पी तक की डिस्टेंस कितनी है 10, क्यू से पी की डिस्टेंस वी डोंट नो. सो फ्रॉम आर कट एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर एट पी, फ्रॉम आर कट एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर एट पी, देन ज्वाइन पी आर, ट्राइंगल पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. सो द सेम वे वी विल राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, द सेम वी हैव डन. वन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, जैसा हमने बनाया बिल्कुल वैसे ही लिखना है, वी कैन राइट इन आर ओन लैंग्वेज. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन वॉट वी हैव डन नेक्स्ट, एट क्यू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, देन थर्ड पॉइंट, फ्रॉम आर कट एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर एट पी, आर से हमें आर कट करना है ऑफ 10 सेंटीमीटर एट पी, देन ज्वाइन पी आर, देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. ओके, सो इन दिस वे वी कैन डू द कंस्ट्रक्शन एंड राइट डाउन द वेरी सिंपल स्टेप्स इन आर ओन लैंग्वेज. ओके, नाउ सिमिलरली जस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर. एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसका हाइपोटेन्यूज कितना है 6 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द लेग्स इज 4 सेंटीमीटर, और कोई भी एक लेग जो है वो 4 सेंटीमीटर का है. नाउ हियर इज 90 डिग्री. सी, वी कैन नेम दिस ट्राइंगल द वे वी वॉन्ट, कैसे भी नाम कर दो, लाइक वी कैन राइट इट्स नेम एज फैब. ओके, फैब कैन बी वन नेम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एट ए ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, फ्रॉम बी कट एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर एट एफ, ज्वाइन बी एफ, ट्राइंगल ए बी एफ इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. ओके, नाउ सिमिलरली वी विल लुक एट वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी. देखो आइसोसेलिस भी है और राइट एंगल भी है. आइसोसेलिस का मतलब हुआ दो साइड इक्वल होनी चाहिए, चलो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं और 90 डिग्री भी बना देते हैं. इन दोनों को ही कैसे इक्वल करेंगे, बिकॉज हाइपोटेन्यूज शुड बी द लॉन्गेस्ट साइड, तो हाइपोटेन्यूज के साथ तो किसी को बराबर कर ही नहीं सकते, बची क्या ये दो साइड्स. सो लेट दीज टू साइड्स बी इक्वल, सो दिस इज राइट एंगल एंड आइसोसेलिस ट्राइंगल ए बी सी, वेयर एंगल ए सी बी
इक्वल टू 90 डिग्री. सी को 90 करना है, वी कैन नेम इट लाइक दिस. ओके, सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द करेक्ट रफ स्केच. वंस यू विल बी एबल टू ड्रॉ करेक्ट रफ स्केच, देन ओनली वी कैन डू द करेक्ट कंस्ट्रक्शन. तो ये क्वेश्चन को समझना है, आइसोसेलेस भी बनाना है, राइट एंगल भी बनाना है. इस साइड के साथ कोई इक्वल नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज हाइपोटेन्यूज, सो दिस शुड बी द लॉन्गेस्ट साइड, सो रिमेनिंग अदर टू साइड शुड बी इक्वल. एसीबी 90 डिग्री. नाउ वी कैन डू द कंस्ट्रक्शन इजिली. एंड एसी 6 सेंटीमीटर है अगर, सो इफ दिस इज 6, सो दिस विल ऑल्सो बी 6. ओके, सो कंस्ट्रक्शन इज सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ लाइन सेगमेंट बीसी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. एट सी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. And then from C cut an arc of 6 सेंटीमीटर at A. अब देखो यहां पे क्या है, ये एक तरीके से देखा जाए आपका साइड एंगल साइड भी इसमें सेट हो रहा है. पहले एक साइड बनाई, फिर एंगल बनाया, फिर इस एंगल से A पॉइंट ढूंढा, क्योंकि हमें C से A का पता है, B से A का नहीं पता है. सो फ्रॉम सी कट एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर एट A, ज्वाइन ए बी, therefore triangle ABC is the required triangle. So in this way our construction by RHS criteria is also over. So now I hope you all have learned how we can do the construction of triangle by having different measurements. So just complete this exercise. For the next problem, we will meet in our next class. Thank you everyone.